दोस्तों हम सभी ने बंदरों को कई बार देखा है, लेकिन क्या आपने बंदर की प्रजाति के एक ऐसे जानवर को देखा है जिसे जंगल का जल्लाद कहा जाता है। बंदर की तरह दिखने वाले इस जल्लाद का नाम है बबून। दिखने में डरावना नजर आने वाला ये जानवर इतना खतरनाक होता है कि छोटे मोटे जानवरों को अपने पास भटकने तक नहीं देता। इसके आकार और बड़े बड़े जबड़े और लंबे लंबे हाथों के कारण ये जानवर बहुत ही खूंखार दिखाई देता है। भले ही शेर इस जानवर का शिकार कर ले, लेकिन ये जल्लाद लड़ाई में शेर को बराबर की टक्कर देता है। शेर से सामना होने पर ये जानवर पीछे नहीं हटता। दोस्तों साधारण से दिखाई देने वाले बंदरों को आप अपने शहर या गांव में आसानी से देख सकते हैं, लेकिन अगर आपको इस जल्लाद को देखना है तो अफ्रीका या सहारा में जाना होगा, क्योंकि ये जानवर अफ्रीका के जंगलों और सहारा मरुस्थलीय क्षेत्र में ही पाया जाता है। बबून अपना ज्यादातर समय जमीन पर ही बिताते हैं और ये एक दिन में लगभग 4 मील तक की यात्रा कर लेते हैं। बबून को सर्वाहारी माना जाता है। ये घास, जड़े, पत्तियां, फल, कीड़े, मकड़ियां, मछली, पक्षी और हिरण सहित कई छोटे छोटे जानवरों को खाते हैं। अफ्रीका में रहने वाले बबून भोजन की तलाश में घरों और कारों में तोड़फोड़ करते रहते हैं। साथ ही ये खेतों पर हमला करके फसलें खा जाते हैं। भेड़ बकरियां और मुर्गों का भी शिकार कर लेते हैं। चिड़ियाघरों के पिंजरों में कैद बबून 45 साल तक जीवित रह सकते हैं, जबकि जंगल में रहने वाले बबून आमतौर पर 20 से 25 साल तक जीवित रहते हैं। ये अधिकतर समूह में दिखाई देते हैं। समूह में इनकी संख्या 5 से 50 तक होती है। बबून अपने गुस्से के कारण भी जाना जाता है। जब बबून गुस्से में होता है तो इसकी आंखें बिल्कुल लाल हो जाती है, जो कि बहुत डरावनी नजर आती है। कई जानवर बबून की लाल आंखें देखकर ही डर जाते हैं और दूर भाग जाते हैं। बबून के पास इंसानों की तरह सोचने और समझने की शक्ति होती है। वैसे तो बबून की 6 प्रजातियां पाई जाती है। इन 6 प्रजातियों में सबसे खतरनाक प्रजाति चकमा बबून को माना जाता है। चकमा बबून दिखने में कुत्तों की तरह दिखते हैं, इसलिए कुत्तों की और चकमा बबून की बहुत ज्यादा बनती है। आपने इंटरनेट पर बबून के और कुत्तों के कई सारे वीडियोस देखे होंगे। ये दोनों जानवर एक दूसरे से खेलते रहते हैं। कुत्ते और चकमा बबून के चेहरे के आगे का हिस्सा एक जैसा दिखाई देता है। चकमा बबून के आगे के 2 दांत शेर के दांतों की तरह नुकीले होते हैं, जिसे किसी भी जानवर का आसानी से शिकार कर लेते हैं। चकमा बबून जब कभी तेंदुए या शेर के बच्चे को अकेला पाते हैं तो उन्हें मार डालते हैं। इसकी वजह यह है कि बबून को यह डर होता है जब यह बच्चा बड़ा हो जाएगा तो बबून के परिवार के लिए घातक हो सकता है। चकमा बबून सभी बंदरों में सबसे बड़ा होता है। एक वयस्क नर का वजन 21 से 45 किलोग्राम और मादा का वजन 12 से 25 किलोग्राम तक होता है। चकमा बबून रात में शिकारियों से दूर खड़ी पहाड़ियों, ऊंची चट्टानों और बड़े पेड़ों पर सोता है और दिन में यह जमीन पर ज्यादा समय बिताता है। यह पूरे दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। अफ्रीकी देशों के कई लोग इस विशालकाय जल्लाद को मारकर खा जाते हैं। दिन के समय ये बबून पानी के आसपास अपना समय बिताता है। पानी में ये मछलियों का शिकार करते हैं, लेकिन कई बार ये खुद मगरमच्छ का शिकार बन जाते हैं। जब भी ये पानी के आसपास घूमते रहते हैं, मगरमच्छ आसानी से इन्हें अपना शिकार बना लेता है। बबून इंसानों की तरह 2 पैरों से चलने में भी महारथी होते हैं। ये अपनी सुरक्षा के लिए कई बार हाथों को ऊपर उठाकर 2 पैरों से भी चलते हैं। दोस्तों जिस तरह इंसानों में एलोपेसिया एरिएटा की बीमारी पाई जाती है, उसी तरह बबून भी इस बीमारी का शिकार हो जाते हैं। इस बीमारी में शरीर के सारे बाल उड़ जाते हैं। चकमा बबून भी जब इस बीमारी का शिकार हो गया था तो देखिए उसके शरीर के सारे बाल उड़ने के बाद ये कितना डरावना नजर आ रहा है। अब ये किसी खतरनाक कुत्ते की तरह ही दिखाई दे रहा है। इस वीडियो से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चकमा बबून को जंगल का जल्लाद क्यों कहा जाता है। बबून को दूसरे जानवरों के बच्चे चुराने के मामले में काफी सातिर माना जाता है। ये शेर, हिरण जैसे जानवरों के बच्चों को चुरा लेते हैं, जबकि ये इसके पीछे के अंजाम के बारे में सोचते भी नहीं है। इसी कारण कई बार अंजाम बहुत भारी पड़ जाता है। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, बबून के ग्रुप ने शेर के एक बच्चे को चुरा लिया है। इस कारण बच्चे की माँ अब बहुत गुस्से में है और बबून के ग्रुप पर हमला करने की तैयारी में है। मौका पाते ही ये ग्रुप पर हमला बोल देती है। बबून अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हैं, लेकिन बबून भला शेरनी से कैसे बच सकते हैं, और शेरनी एक बबून को अपना शिकार बना लेती है। बबून की
भारत का एक और वीडियो देखिए। इसमें एक बबून ने तेंदुए के बच्चे को चुरा लिया है और खुद को जंगल का राजा मान रहा है, लेकिन इसको कहां पता कि कुछ ही देर में ये बबून खुद किसी का शिकार बनने वाला है, क्योंकि इसके ऊपर तेंदुए की नजर है। तेंदुआ बबून से नजर बचाकर धीरे धीरे बबून की तरफ बढ़ता है और मौका पाते ही खुद को जंगल का राजा मानने वाले जानवर बबून पर हमला कर देता है। जंगल में ये घटना कोई पहली बार नहीं हो रही है। जब भी बबून बच्चे चुराता है उसकी सजा इसको भुगतनी ही पड़ती है। इतना भयंकर अंजाम भुगतने के बाद भी ये जल्लाद अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। एक और ये जानवर बच्चा चुरा के जंगल में अपना दबदबा बनाना चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ अपने परिवार पर भी खुद का दबदबा बनाकर रहते हैं, क्योंकि इनके एक परिवार में एक मेल के साथ एक फीमेल और उनके बच्चे होते हैं। लेकिन जंगल के खतरनाक जानवरों से अपने परिवार को बचाना केवल कुछ ही बबून के बस की बात नहीं है, इसलिए ये अपने परिवार में दूसरे बबून परिवार को भी शामिल कर लेते हैं। इस तरह इनके ग्रुप में कई परिवार जुड़ जाते हैं और इनका ग्रुप इतना बड़ा हो जाता है कि कई बार तो शेर भी इनसे डरने लग जाता है। इस बड़े ग्रुप का एक सरदार भी होता है जो कि अल्फा मेल होता है। इस अल्फा मेल के पास ग्रुप की सुरक्षा करने के साथ किसी भी बबून को गलती करने पर सजा देने तक का अधिकार होता है। मतलब ये अल्फा मेल इस ग्रुप का राजा होता है। जब भी कोई जानवर इनके झुंड पर हमला करता है तो ये अल्फा मेल ही सबसे आगे जाकर उस जानवर से लड़ते हैं और ग्रुप के बाकी बंदरों की सुरक्षा करते हैं। अब बात करते हैं जंगल के राजा शेर और बबून की। वैसे तो जंगल के राजा शेर के सामने किसी भी जानवर की इतनी हिम्मत नहीं कि वो अकेले ही शेर को चुनौती दे सके। चुनौती देना तो दूर, अकेला जानवर शेर के आसपास भटकने की गुस्ताखी तक नहीं कर सकता। लेकिन जंगल की दुनिया भी बड़ी अजीब होती है। कब कैसे पांसा पलट जाए ये कोई नहीं कह सकता, क्योंकि ऐसा ही कुछ हुआ जंगल के राजा के साथ जब एक शेरनी अपनी बादशाहत के नशे में चूर होकर एक बबून को अपना शिकार बनाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन बबून भी इतनी आसानी से कैसे खुद को शिकार होने देता। जैसे ही शेरनी ने बबून पर हमला करने की कोशिश की, यहाँ पासा ही पलट गया। उल्टा बबून खुद शेरनी पर हमला करने लग गया। बबून के इस खतरनाक रूप को देखकर थोड़ी देर तक तो शेरनी खुद हक्की बक्की रह गई। लेकिन जंगल की रानी होने के कारण शेरनी भला कैसे पीछे हट सकती थी। थोड़ी देर पीछे हटने के बाद आखिर वो बबून को अपना शिकार बना ही लेती है। लेकिन जब कई सारे बबून एक ग्रुप में होते हैं तब शेर को भी मुंह ताकने के सिवाय कुछ भी नहीं मिलता। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।